हेलो एंड वेलकम टू बैंकपीडिया। सो गाइस, द एम इज़ टू स्टार्ट दिस चैनल बैंकपीडिया इज़ टू प्रोवाइड यू गाइस द नॉलेज ऑफ बैंकिंग एग्जाम फ्रॉम स्क्रैच। सो इन दिस वीडियो, दिस इज़ आर इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट थ्री थिंग्स विच आर फर्स्ट बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन बैंक एग्जाम एंड देन and the topics which we are going to cover in this course. Okay, so if we will talk about banking exam, so we will talk about banking exam या banking में कैसे enter कर सकते हैं, bank को कैसे join कर सकते हैं अगर आप banking में career बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ stages से गुजरना पड़ता है। आप एग्ज़ाम को कैसे दे सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे, ठीक है। सो अगर आप बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एग्ज़ाम देना होगा जो है जूनियर एसोसिएट और क्लर्क एंड बैंकिंग पीओ विच स्टैंड्स फॉर प्रोविजनरी ऑफिसर। ओके, तो अगर हम बात करें जूनियर एसोसिएट एग्ज़ाम की, जूनियर एसोसिएट एग्ज़ाम में आपकी टू स्टेजेस होती हैं विच आर प्रीलिम्स एंड देन मेंस, ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस। और पीओ में इसमें सिर्फ एक स्टेज एक्स्ट्रा ऐड होती है विच इज़ इंटरव्यू। ओके, इन दोनों के अलावा आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो प्रीलिम्स में अगर हम बात करें कि क्या क्या पूछा जाता है आपसे, प्रीलिम्स में आपसे तीन चीज़ें पूछी जाती हैं जो हैं इंग्लिश, देन रीजनिंग एंड देन क्वांट्स। ओके, सो अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेम आपसे क्वांट में भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम तीनों को ऐड करें तो इनका टोटल बनता है 100, विच मीन्स बैंकिंग का प्रीलिम का एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होता है एंड 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, सो अगर आप एक सही आंसर देते हैं तो आपको पर राइट आंसर के लिए 1 मार्क रिवॉर्ड होता है एंड पर रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स रिवॉर्ड होता है। एंड सेम थिंग इन मेंस, आपके मेंस का पेपर 200 मार्क्स का होता है जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है इन तीन सब्जेक्ट्स के अलावा, विच इज़ जनरल अवेयरनेस और एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है विच इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू करंट अफेयर्स। ओके, सो अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप एज अ जूनियर एसोसिएट बैंक को ज्वाइन करते हैं। एंड सेम अगर आप एज अ पीओ एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं तो पीओ एग्ज़ाम में भी आपको प्रीलिम स्टेज क्लियर करनी होती है, मेन्स स्टेज क्लियर करनी होती है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेपर आपका जुड़ जाता है डिस्क्रिप्टिव का मेन्स में, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग वगैरह आती है। उस डिस्क्रिप्टिव पेपर के जब आप इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और देन आप इंटरव्यू क्लियर करने के बाद यहाँ पर को एज अ पीओ बैंक को ज्वाइन करते हैं। तो अब इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। लॉजिकल रीजनिंग में जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये हैं टॉपिक्स जो बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग में पूछे जाते हैं। हाँ, ये सेम टॉपिक है जो आपको प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि रीजनिंग एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि वो 35 क्वेश्चन का इनमें ब्रेकअप कैसे होता है। सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एस्टूडेंट्स बिकॉज 35 में से 15 to 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स से पूछे जाते हैं एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन रिमेनिंग 15 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दीज रिमेनिंग 7 टॉपिक्स। ओके, अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड ऑल, इन सबसे आपको बाकी के 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होता क्या है ना कि सिटिंग अरेंजमेंट में आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं, अब मैं बताऊँ कि वो इनमें से लगभग लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज की बात करें तो 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम ब्लड रिलेशन में से 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम बाकी चीज़ें जो हैं डायरेक्शन डिस्टेंस इनइक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग सिलॉग्स इनपुट आउटपुट, इनसे भी 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोग को शायद पता होगा अगर आपने बैंकिंग एग्ज़ाम के बारे में पहले सर्च करा या आप जा रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, आपको पता होगा कैसे होता है। तो बैंकिंग एग्ज़ाम क्या होता है ना, स्टेजेस में होता है, मतलब शिफ्ट्स में होता है। तो एक दिन में 3 to 4 शिफ्ट्स बैंकिंग एग्ज़ाम में होती हैं, विच मीन्स कि वो लोग पेपर का पैटर्न चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अगर मतलब पजल तो फिक्स है कि 15 to 20 पजल आएंगे, तो अब क्या होगा अगर अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ या ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया, हो सकता है आपको इनइक्वालिटी से क्वेश्चन ना मिले और हो सकता है अगर इनइक्वालिटी या डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आया तो आपको इनमें से किसी और टॉपिक से क्वेश्चन ना मिले। सो इस तरीके से एग्ज़ाम वेरी करता है वहाँ पर को। ओके,
सो अब मैंने जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन करे ना, ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैंने डिफ़िकल्टी वाइज रखे हैं या कुछ है, मैंने बस इन्हें ऐसा मेंशन कर दिया, मैंने इन्हें मेंशन करा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो अब आपका फर्स्ट इस कोर्स के अंदर मैं वीडियो ऐड करूँगा आपके लिए, वो होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से फर्स्ट, देन ब्लड रिलेशन से, एंड देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, उसके बाद इनइक्वालिटी से, देन कोडिंग डिकोडिंग से। मतलब जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वैसे ही मैं यहाँ पर को आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा आगे एक एक करके। और अब क्या ना, मैंने इस कोर्स को भी दो चीज़ों में बांटा हुआ है, विच इज़ सेम प्रीलिम्स एंड मेन स्टेज। ओके, तो अब यहाँ पर को प्रीलिम्स और मेन स्टेज, क्योंकि अब कोर्स प्रीलिम और मेन्स में बटा हुआ है, तो प्रीलिम में हम क्या करेंगे ना, प्रीलिम में भी मैं आपको इन जो टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पर को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ वगैरह, इनका पहले मैं प्रीलिम कोर्स में आपको बेसिक बताऊंगा, सो दैट यू कैन यू नो कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आपको क्वेश्चन का बेसिक आइडिया यहाँ से मिलेगा इस प्रीलिम वीडियोस से। फिर उसके बाद जब हमारे प्रीलिम का कोर्स ख़त्म हो जाएगा, 8 से 10 वीडियो में पूरा इस कोर्स को कवर कर दूंगा, और एंड आई होप कि आप लोग के सारे डाउट भी क्लियर कर पाऊंगा। उसके बाद मैं हम आप इसमें मेंस के कोर्स ऐड करेंगे, वो भी सेम इसी हिसाब से आएंगे आपके पास, सो दैट आप उन क्वेश्चन को एडवांस लेवल पर सॉल्व कर सकें। चीज़ें यही होंगी, बस वहाँ पर को क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एडवांस हो जाएगा, बिकॉज ऐसे ही बैंकिंग एग्जाम में भी होता है, रियल बैंकिंग एग्जाम जब आप देंगे। और बस वहाँ पर क्या होता है, इसमें एक दो टॉपिक जो मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एडवांस में पूछे जाते हैं और मेंस में पूछे जाते हैं, वो हैं जैसे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और इस तरीके के टॉपिक पूछे जाते हैं। बहुत ही ईजी है वो भी, उसमें बस थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक यूज़ करना होता है क्वेश्चन को समझ के। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप नेक्स्ट वीडियो को ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू।